अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकल किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। हम भी कहीं ठहरते हैं तो नगर के लोग मिलने आ जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग मिलने आते हैं कि कुमार विश्वास है, तो हम सब कवियों से मिलने लोग आते हैं। तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए राज्यसभा में मिले, अब मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूं। और अतिथि भी कौन? माखन चोर। द्वारपाल ने कहा जी नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो चाहे कुछ भी हुई हो, महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूं, उनमें से एक कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। कृष्ण मुस्कुराए, कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। भगवान ने कहा ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है, ऐसा मित्र सबको मिले। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए, उसने गलती की, उसे दूत के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था और आप जैसे दूत के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए था। भगवान ने कहा मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूं, मेरा शरीर ले लीजिए पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा। पता क्या है, कर सकते हो तो इतना करो, अब मैं वापस पांडवों के पास जा रहा हूं, हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ के आओ। उसने कहा इससे बड़ा सौभाग्य का होगा कि मैं आपको छोड़ने चलूं, आइए मेरे रथ में बैठिए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे रथ में बैठ जाता हूं। आपकी कार में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठने लगे तो कभी भी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाना, ड्राइवर से कहना तू नीचे उतर, सवार बहुत बड़ा है, अब ड्राइव मैं करूंगा, गाड़ी खुद चलाना सदा। कर्ण ने अपने चालक से कहा कि नीचे उतर, इस रथ पर त्रैलोक्य का स्वामी बैठने वाला है, ड्राइव मैं करूंगा। और कर्ण तो ड्राइवर का ही लड़का है, सूत पुत्र है, उसको तो आता ही है रथ चलाना, रथ चालक का बेटा है। कर्ण रथ चलाने लगा, भगवान पीछे से उतरकर कर्ण के पास आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उसका रथ छोड़कर उसे अपने रथ पर बिठा लिया, वहां भी वही रथ चलाने लगा। अब भगवान ने उससे बातचीत शुरू की, देखिए कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं ये कन्हैया, दिखते भोले हैं लेकिन परम चालू। इनको पता था कि एक ये आदमी है जो फजीता करेगा, इसका मनोबल तोड़ो। पहली बार कर्ण को यह पता चला जो भेद उन्होंने बताया, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, कर्ण अब कुछ बचा नहीं, हो विवश हमें धरु धरना है, अब तो हमें यह धनुष उठाना पड़ेगा, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं,
विषबाण कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। ये जो अहंकार है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, क्या बोला दुर्योधन पांच गांव माने पे, सूच्यग्रम नैव दास्यामी बुनया युद्धे न केशव। हे केशव, तुम पांच गांव मांगते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, बिना पार्शल हुए बोलना। कर्ण से पूछ रहे हैं, क्या वस्तु बड़ी थी पांच ग्राम, पांच गांव ही तो मांगे थे, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निशस्न विशस्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता में क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, अब पासा फेंका। पहले तो माहौल बनाया कि तुम सब मरोगे बेटा, तू भी मरेगा और तेरा यार भी, एक तरीका है बचने का। सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात है यदि तू माने, देखो कैसे फुसला रहे हैं, तो शांति नहीं जल सकती है, समरागनी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उजे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा। जब तक तू उसके साथ है वो लड़ाई नहीं छोड़ सकता, बस ऐसा कर तू उसे छोड़ दे। क्यों, क्या अघटनीय घटना कराल। एक बात बताऊं तुझे कर्ण, एक बड़ी कराल घटना इस खानदान में हो गई है, तुझे पता नहीं है। तू प्रथा कुक्षिका, प्रथा मतलब कुंती, तू कुंती कोख का प्रथम लाल, तू कुंती का पहला बेटा है। ये पहली बार कर्ण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, सबसे पहली बार। अच्छा, ये बात पहले भी बता सकते थे कभी, कर्ण तो रोज मिलता था, जब 14 साल का वनवास था तब बता देते। नहीं, अगर तुरुप का इक्का आ जाए तो शुरू में मत फेंको, बचा के रखो, फाइनल टेबल पे काम आएगा। अब कर्ण को बता रहे हैं कि तू तो कुंती का लड़का है, पनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, किस्मत के फेरे में पड़कर का प्रेम सदा बसा दुश्मन के घर, निज बंध मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर इसमें दोष न तेरा है, तेरा कोई दोष नहीं है। अब कहा मान इतना मेरा, अब इतनी मान, चल होकर संग अभी मेरे, जहां पांच भ्राता तेरे। कहते हैं एक काम कर, अब मेरे रथ पे से उतरी मत, अब मैं हाक रहा हूं और सीधा वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे पांच भाई हैं, जिसको जिंदगी में किसी ने भाई नहीं कहा, जो मां की एक पुकार के लिए जीवन भर तरसा है, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रलोभन दे रहा है हमारा काना। क्या कह रहा है, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का त्यू ही परम तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। और क्या करेगा, पद त्राण भीम पहनाएगा, भीम तेरे को चप्पल पहनाएगा। कैसे कैसे लालच है, कैबिनेट मिलेगी। और उसमें भी कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं, सीधा ही प्राइम मिनिस्टर। पद त्राण भीम पहनाएगा, हैं? धर्मादिप युधिष्ठिर चमर डुलाएगा, तेरे दरबार के बाहर कौन खड़े होंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, जो तेरा दुश्मन है, तेरा छोटा भाई अर्जुन, ये तो तेरा एनर्जी कमांडो बनेगा। पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, आखिरी दाव जो मारा है, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। क्या लालच है, क्या लालच है, आहा हा हा। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा,
कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। और आखिरी में ऐसी बात कहता है, और कौन दुनिया को जो देता है वो भीख मांग रहा है। मेरे कन्हैया को पृथ्वी की आग टालने के लिए भीख मांगनी पड़ी। कुरुराज समर्पण करता हूं, पूरा राज्य कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव का तज रण श्रोक सखे, भूखा भावी हर शोक सखे। ये तो कन्हैया हैं जो इतनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, किस लिए? देखो ये बड़ा गहरा गणित है, इसको समझो। इस दाव को चलने में कृष्ण का कोई नुकसान नहीं है। अगर कर्ण इधर आ जाता तो महाभारत समाप्त हो जाती। और एक ऐसा योद्धा जो सुबह दोपहर शाम इसी बात की कसम खाता था कि अर्जुन को मारना है, इन पांडवों को मारना है, इसके कलेजे में ये बात डाल दो कि ये तेरे भाई हैं, तो जब युद्ध लड़ेगा तो थोड़ा तो हाथ कांपेगा, थोड़ा तो दिल के अंदर कुछ दुख दुख पैदा होगी। शत्रु की मानसिकता को कमजोर करना, शत्रु की मानसिकता पर प्रहार करना, ये काम है। लेकिन कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण कर्ण का भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीजों को ठुकरा दे और खुल के कह दे, हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। और दो पंक्ति जो कही है कर्ण ने, मैं उसकी दृढ़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये जो चरित्र है कृष्ण का योजना बनाने का, पहले कुंती को भेजा, जाओ बता के आओ कि तुम उसकी मां हो। मां ने कहा कि मैं, तू वापस आ जा। तो उसने एक वरदान दिया मां को। मां ने कहा, अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी कहा, मां मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद 5 बेटे जीवित रहेंगे, अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, खुलकर कहूंगा ये मेरी मां है। और अगर अर्जुन का दाव चल गया मां, तो तुझे पता और मुझे पता कि हम मां बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, जा मां मैं तुझे वरदान देता हूं। तू दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता, मैं ही देता रहूंगा। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना उस दिन उसने चारों पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर मुझे मार दे। और गालियां बकने लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को इन्होंने, जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं और मरवा दिया। अर्जुन से कहा, मार अभी मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया? यही कृष्ण है जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं।
रश्मिरथि में मेरे पिता में मेरे बाबा हमारे खानदान के बड़े दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर सराशनहीन अस्तव्यस्त पाकर जगाकर पार्थ को भगवान बोले खड़ा क्या देखता है मौन भोले सराशन तान बस यही अवसर यही है तान मार इसको घड़ी फिर और मिलने की नहीं है विषख कोई बाण बाण कोई गले के पार कर दे अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण सोचो क्या कह रहे हैं धर्म की धुरी लाने वाले जिन्होंने पैदा होने से पहले यह कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्ते को कह रहे हैं मार 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 ये क्या है ये अधर्म है कि धर्म है। अब मैं तर्क दे रहा हूं कृष्ण की ओर से जो कृष्ण ने उस समय तर्क दिए होंगे। कहते हैं श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह विजय के हेतु आतुर एषणा यह सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन विनय में ही मगर बोला अकिंचन नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा हंसे केशव व्रथा हट ठानता है अभी तू धर्म को क्या जानता है कहूं जो पाल उसको धर्म है ये मैं जो कह रहा हूं वो कर हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा उलटकर काल तुझको ही कसेगा। ये जो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके घर में जाके ना मार के आए इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह पर मतदान के समय जाते हुए ये लफंगे चांटे मारते थे इनको पूछो कि पड़ोसी के भीख मिले हथियारों से हिंदुस्तान की मां बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्यारी में बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुस के मारा जाए कि ना मारा जाए देश का एक एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते समय के योग्य धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर अब कर्ण बोला हर पापी हर अनाचारी हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दिया है वो ज्ञान देने लगता है भूल गया अर्जुन के कौन ज्ञान दे रहा है अर्जुन के अंदर भक्ति मनुष्यता भावना सब पैदा हो गई नरोचित धर्म का कुछ काम तो लो बहुत खेले जरा विश्राम तो लो फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम हरण करना कर सको यदि प्राण तुम नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कर्ण कहता है कि धर्म से युद्ध करो कृष्ण मुस्कुराए कि बेटा अब फंसा के अब मैं तुझे धर्म समझाता हूं है ना उपस्थित देख हो न्यायार्थ हरि को निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को अर्जुन का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया इसे मारूं कि ये जो कह रहा है धर्म वो पालूं और जब सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को मगर भगवान किंचित भी न डोले। अभी तक तो हंस रहे थे मुस्कुरा रहे थे करते मार जैसे ही कर्ण ने धर्म बोला भगवान के अंदर से आग निकली कुपित हो वज्र सी यह बात बोले प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन।
मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन, हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन यह धरा था, लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में। और एक पंक्ति, बेटे पे आ जाए, पत्नी पे आ जाए और माँ पे आ जाए तो खून खोल जाता है, अर्जुन का खून खोला रहे हैं भगवान मेरे। सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बताकर, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जिस दिन एक रजस्वला बेबस महिला को बाल से खींचकर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था, और तेरे उस तथाकथित मित्र ने अपनी जंघा पर हाथ मारा था कि यहां बैठेगी, उसी दिन तय हो गया था कि इस जंघा पर धर्म युद्ध के खिलाफ चोट पड़ेगी। जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं, जुए में हार कर धनधाम जिस दिन हुए पांडव यति नष्काम, जिस दिन चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, और कोई अपकर्म नहीं होता। कटी से नीचे प्रहार करना अधर्म है, लेकिन दुर्योधन की झंगा तोड़ी भीम ने, कोई नहीं। ये जो रणनीतिकार कृष्ण है, खांडव दहन हुआ, आप सबको पता है आग लग गई, आग बुझी नहीं, इंद्र से भी नहीं बुझी, तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन से कहा कि भाई बुझा, सर्पों ने कहा कि बुझा, अर्जुन ने बादलों में तीर मारा और बादल बरसे। जब पुरुषार्थ आ जाता है तो तीर आदमी ऐसे ही मारता है, कभी बादल में मारता है, कभी जमीन में मारता है। पिता में भीष्म जब पड़े हुए थे शरशैया पर, उनके मुंह से निकला पानी, कोई सोने के मटका लाया, कोई चांदी के मटके लाए, उन्हें अर्जुन की तरफ देखा कि पड़पोते पानी, अर्जुन ने तीर मारा पृथ्वी पे। कुरुक्षेत्र चले जाइए आज भी, आपको मिल जाएगी वो नदी जहां जमीन का स्तर तक वहां तक तीर गया। और साइंस देखिए, तीर की ड्रिलिंग देखिए कि उतनी ही तेजी से गया और धार उतनी ही आई जो पिता में भीष्म के होठों तक आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे उत्तर भारत में बाण गंगा कहा जाता है, कभी दर्शन करके आइए उस नदी। Thank you.